वेलकम फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हर मंथ हमारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है तो हम कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सैलरी ही एक इनकम सोर्स होता है जिसके थ्रू हम अपनी सेविंग्स प्लस अपने खर्चों को निकाल सकते हैं। बट जब सेविंग्स की बात आती है तो हमारे माइंड में सिर्फ FD ही आती है। बट यदि उसी पॉइंट पर मैं आपको बोलूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि स्टॉक मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, प्लस स्टॉक मार्केट में यदि हमने वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। बट यदि मैं आपको बोलूं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको 3 सिंगल वर्ड दे सकते हैं, क्या आप उसको मानोगे? दैट इज SIP। अब ये SIP क्या है, ये कैसे काम करती है, उसको अब हम इस वीडियो में समझते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले यदि अभी तक आपने अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री में ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि SIP होता क्या है। SIP मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि जब हर मंथ आपको अपनी अकाउंट में सैलरी मिलती है उसका 10-20% पोर्शन आपको एक पर्टिकुलर डेट में एक पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपको ऑन एन एवरेज 12-15% का रिटर्न जनरेट करके देते हैं। अब आपको SIP तो समझ में आ चुकी होगी, बट ये काम कैसे करती है पहले उसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक XYZ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब उस फंड की NAV, मतलब कि जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर का प्राइस होता है, उसी तरह से जब हम किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी NAV मतलब एक प्राइस होता है जिसे हम NAV बोलते हैं, तो उस टाइम पर उस फंड की NAV 50 रुपीज़ की है और हम उस फंड में 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5000 डिवाइड बाय 50 इट मींस हमें उस फंड के 100 यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। इस पॉइंट के बाद अब मार्केट ऊपर जाती है तो उस फंड की NAV बढ़ते बढ़ते पहुंच जाती है 100 यूनिट्स पर, तो इट मींस 5000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, अब हमें उस फंड के 50 यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे जब मार्केट ऊपर जा रही है हम उस फंड के उतने ही कम यूनिट्स बाय करते जा रहे हैं, और जब मार्केट नीचे जा रही है हम उस फंड के उतने ही ज़्यादा यूनिट्स बाय करते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एक तो हमें मार्केट को टाइम नहीं देना पड़ रहा, प्लस हम मार्केट में हर टाइम इन्वेस्टिंग करते जा रहे हैं जिसके कारण हमारी एक हैबिट क्रिएट हो जाती है। अब हम इसको एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। तो आप मुझे बताइए कि यदि आपको फिट होना है और आप एक्सरसाइज करने जिम में जाते हो, तो क्या एक दिन में आप अच्छी सी डाइट करके वर्कआउट करके आपकी हेल्थ में आपको कोई चेंज दिखेगा, मीन्स आप हेल्दी हो जाओगे? नहीं ना, आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करना होगा, हर रोज़ वर्कआउट करना होगा, हर रोज़ अच्छे से डाइट लेनी होगी, तब जाकर कुछ मंथ और कुछ सालों के बाद आपको अपनी हेल्थ में एक चेंज दिखेगा। तो इस तरह से वही माइंडसेट जब आप इन्वेस्टिंग करते हो उसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको बेशक आपके पास कम सैलरी है बट उसका छोटा सा पोर्शन भी इन्वेस्ट करके वो आगे कितना बड़ा हो जाता है विद द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, वो आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको अब एक एग्जाम्पल से, म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी। तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप एक्सेल शीट देख सकते हो, तो मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने अपनी हर मंथ की सैलरी में से 5000 इस XYZ फंड में लगाने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने 1 जून 2014 में इस फंड में इन्वेस्ट किया, जब इस फंड की NAV 11.19 रुपीस की थी, मुझे उस फंड के 446 यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। और यदि हम बात करें उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मतलब कि जो हमने 5000 इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जब मैं इसको सेल करूंगी 1 जन 2019 में, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी 16,023.90 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट मंथ इस तरह से इन्वेस्टमेंट की। अब इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं कि इस फंड की NAV हर टाइम फ्लक्चुएट होती जा रही है। जब हम देखते हैं 1 दिसंबर 2018 में, तो उस फंड की NAV बढ़ते बढ़ते 30.55 पॉइंट तक पहुंच जाती है और मैं अपनी SIP हर मंथ में कंटिन्यू रख रही हूं। तो उस टाइम पर जब मैंने 1 दिसंबर 2018 में इन्वेस्ट किया तो मेरे पास उस फंड के यूनिट्स हो जाते हैं 163.66 और उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है 5,873.98 रुपीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम क्यों? क्योंकि उस फंड की NAV जैसे बढ़ती जा रही है मैं उस फंड के उतने ही कम यूनिट्स बाय करती जा रही हूँ। यदि मैं ओवरऑल चेक करूँ कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितना रिटर्न और प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो मैंने 4 साल तक इन्वेस्ट किया। अब हम देखते हैं कि 1 जन 2019 में जब मैं इस फंड को बेचूंगी तो मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी 3 लाख रुपये,
बट जब हम बात करें कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट मेरी वैल्यू हुई, तो वो हुई 5,81,182.91 रुपीज़। इट मीन्स मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक छोटा सा बेस सिर्फ 4 साल के अंदर ही उसने मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को ऑलमोस्ट डबल ही कर दिया। यदि हम बात करें कि मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, दैट इज़ 2,81,182.91 रुपीज़। और यदि हम बात करें एब्सोल्यूट रिटर्न की, तो डैट इज़ 93.73% और मेरा एनुअल रिटर्न होता है 17.98%। सो इट मीन्स कि हमने सिर्फ 5,000 के बेस से स्टार्ट कर ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर ही 17.98% का रिटर्न जनरेट कर लिया। ये तो सिर्फ 4 साल की बात है। यदि मैंने वही इन्वेस्टमेंट की हैबिट अगर 30 ईयर्स तक कंटिन्यू रखी होती, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती? तो अब मैं बताती हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एट अ रिटर्न ऑफ 12%, दैट इज़ 1.76 करोड़। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 1.76 करोड़। तो इस तरह से एक छोटा सा बेस कैसे आगे चलकर कंपाउंडिंग के मैजिक से वो इतना बड़ा हो जाता है कि हम इस लेवल तक सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी थिंकिंग लीनियर वे से चलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लीनियर थिंकिंग कैसे? तो देखिए, मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 8 को 9 टाइम प्लस करना है। क्या आप मुझे इसका आंसर बता दोगे? आप 2 मिनट में सॉल्व करके मुझे बता दोगे कि इतना आंसर हो सकता है। बट वहीं पर यदि मैं आपको बोलूं कि आपको 8 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आप मुझे उसका आंसर बता दोगे? मीन्स 8 × 8 × 8 × मतलब 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आप मुझे उसका आंसर उसी टाइम बता सकते हो? नहीं ना, आपको खुद कैलकुलेशन करना होगा, उसके बाद कहाँ जाकर आप मुझे बता सकते हो। सो दैट इज़ एक्सपोनेंशियल लेवल थिंकिंग, और कंपाउंडिंग में एक्सपोनेंशियल थिंकिंग काम करती है, और एक्सपोनेंशियल वे से हमारा पैसा कंपाउंड होता रहता है। कंपाउंडिंग को और समझने के लिए मैंने इसके ऊपर वीडियो की हुई है, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब हम बात करते हैं कि SIP करने से हमें कौन कौन से और प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि हमें पेशेंस और डिसिप्लिन के थ्रू इन्वेस्टिंग करना सीख जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारी ये हैबिट बन जाती है कि हमें हर मंथ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम पहले ही कुछ अमाउंट ऑलरेडी साइड निकाल देते हैं, जिसके कारण हमें एक पेशेंस और डिसिप्लिन का बेनिफिट मिल जाता है। नंबर सेकंड, कि जब हम SIP करते हैं तो उसमें मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग हमें देखने को मिलता है। आपको पता ही है कि कंपाउंडिंग में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के वजह से रिटर्न मिलता है, मीन्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पर तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, उसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता रहता है, जिसके कारण हमारी वेल्थ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे मैंने आपको एक्सेल शीट और उसके बाद जो 12% रिटर्न की जो एग्जांपल समझाई थी, उससे आपने देखा होगा। अब लास्ट, SIP करने से हम मार्केट की वॉलेटिलिटी को इग्नोर कर देते हैं, इवन हम मार्केट की वॉलेटिलिटी से बेनिफिट ही उठाते हैं। कैसे? जब मार्केट नीचे जाती है, हम उस फंड के उतने ही ज़्यादा यूनिट्स बाय कर लेते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाती है, हम उस फंड के उतने ही कम यूनिट्स बाय कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ओवरऑल मार्केट को हर टाइम बाय करते ही रहते हैं, जिसका बेनिफिट ये हो जाता है कि हम रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं, मतलब कि हम एक एवरेज प्राइस पर हर टाइम फंड को बाय करते रहते हैं। सो आई होप अब आपको SIP का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। यदि आप SIP वर्सेस लमसम को भी समझना चाहते हो, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो की हुई है, जिसका लिंक भी आपको एटिप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इवन मैंने इस एक्सेल शीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।